बटाला नगर निगम अधीन काम करदे सफाई सेवका ने दफ्तर विच काम करदे मुलाजमां नूं दफ्तर दे अंदर नहीं जान दिता अते सारे कर्मचारियों नूं बाहर कढ़ के दफ्तर नूं ताले लगा दिते गए। इस दे नाल ही सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम दे बाहर धरना दे के नगर निगम प्रशासन खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। उन्हां दा कहना है कि जदों तक नगर निगम कमिश्नर उन्हां नूं पक्का करन दा भरोसा नहीं दिंदे उदों तक किसी भी कर्मचारी नूं दफ्तर विच काम नहीं करन दिता जावेगा। सफाई सेवक यूनियन दे मुखी विक्की कल्याण ने कहा कि पंजाब भर विच सफाई सेवक पक्के कीते गए हन पर बटाला नगर निगम वल्लों कच्चे सफाई सेवकां नूं टालिया जा रहा है। इस बारे ओह पहलां भी कई बार निगम अधिकारियों अगे धरना दे के अते लिखती रूप विच अपनियां मंगां रख चुके हन। उन्हां दी जमात दे लोक शुरू तों ही सफाई दा काम करदे आ रहे हन अते हुण इस विच आम जमात नूं भी काम दिता जा रहा है जिस कारण अज मुलाजमां ने निगम दे सामने धरना शुरू कर दिता है। जदों तक उन्हां नूं नगर निगम कमिश्नर वल्लों उन्हां दीआं जायज़ मंगां मन्नण संबंधी भरोसा नहीं दिता जांदा नगर कौंसलर दे किसी भी कर्मचारी नूं दफ्तरी काम करन लई दफ्तर विच नहीं जान दिता जावेगा। मैं विक्की कल्याण, देखो जी मसला यह है कि पूरे पंजाब भर दे विच कच्चे कर्मचारियों नूं ठेकी प्रथा बंद करके कॉन्ट्रैक्ट ते भर्ती कर दिता गया और नगर निगम बटाला बार बार बंदियां नूं मंग पत्र देने तो बावजूद अफसरां नूं मिलन तो बाद मैडम कमिश्नर जी नाल मिलन तो बाद और लगभग 8 महीने तो बाद कि इन्हां को लिस्टां लईआं गईआं इन्हां नूं फाइलां भरीआं गईआं इन्हां दी इंटरव्यू होईआं पर हुण तक भर्ती ते कोई स्पष्टीकरण नहीं दित्ता गया जदकि लंबे समय तो एसी समाज के कर्मचारी हमेशा ये काम करते आए हैं और कुछ प्रशासन अधिकारी आ वो कर्मचारियों को गुमराह करते हैं कुछ उन्होंने मैसेज देंगे कि जोड़े ओवरएज बंदे उन्होंने कढ़िया जाएगा ताड़े एसी समाज के बंदे कुछ रखे जाएंगे दूसरिया कैटागरिया जनरल ओबीसी हैंडीकैप स्पोर्ट्स कोटे वो बंदे रखे जाएगा और ताड़े समाज में जी घट भर्ती होएगी और जोड़े कर्मचारी पिछले लंबे समय तो काम करते पे आ उन्होंने बहुत भारी रोष पाया जा रहा जिदे करके नगर निगम प्रशासन के अगे अगे भी धरना लग चुका हड़ताल हो चुकी पर अज जी हड़ताल नहीं है एक रोष मुजहरा वा नगर निगम प्रशासन खिलाफ ये कर्मचारियों की मजबूरी सी कर्मचारी सारे इतने इकट्ठे हुए थे मैंने कॉल की गई क्योंकि मैं इन्हों का प्रधान हाँ मैंने इन्होंने कहा कि प्रधान जी देखो बार बार आप रिक्वेस्ट ली अफसर अपने मैंबर साहबान गल की है पर कोई सिट्टा तो निकलता नहीं जब तक अही अपने कर्मचारियों इतने इकट्ठे करके एक संघर्ष ना करा एक नारेबाजी ना करा उद तक साड़ी सुनवाई नहीं होनी जी किसी अफसर को हूँ तक अंदर नहीं जान दिता गया। हालांकि 2 मिनट पहले साडे मैडम कमिश्नर जी का किसी अफसर का फोन आया कि साडे नाल बैठ के गल कर लो और आपां उन्हां ने भी ये जवाब दे दिता कि अज तुसीं कह रहे बैठ के गल कर लो पहले ताडे अफसर कित्थे गए थे। गोल्डी वोटर एक्शन पिछले साल सितंबर तो चालू होया जी तो हुण तक प्रोसीजर चलता पिया वा ये देखो जी शाम तक शायद चले जी गलबात हो जाए साडी अथॉरिटी इहो जी एम एल ए साहब नूं बेनती आ मान जो नूं कि साडी जिहड़ी कि नहीं आवाज़ सुनी जाए। चरणजीत कौर मतलब सूप कच्चा तो पक्का किया जाए साड़ी सुनवाई नहीं होंगी 8 महीने हो गए लारे लाई जाते अजे भी अज कर देने कल कर देने लिस्ट तो अजे तो कोई तैयारी नहीं होगी साड़ी मंग में तो 8 महीने हो गए तो सर अजे तक नहीं कोई मंग नहीं साड़ी सुनवाई कोई नहीं हुई सर यो कह देंगे आते सोमवार हो जाओ आते शुक्रवार हो जाओ यही बस कहें और तो कुछ नहीं कहें इदा सोमवार शुक्रवार इदा ही लारे लाने हल कोई नहीं होंगे सर। की नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी की ड्यूटी कर रहे हो? मैं बतौर इंस्पैक्टर हाँ कारपोरेशन रूटीन के ही आप आए हैं सवेरे दफ्तरी टाइम मुताबक ही तो सफाई सेवकों ने गेट के सामने जोड़ा वो धरना लाया वा तो वो अही सारा स्टाफ ही जिन्ना तकरीबन बाहर इतने बैठे हैं अंदर नहीं किसी जान दिता की कहें कदों तक जान देंगे पता नहीं हूँ कदों तक जान देंगे उन्होंने हम मर्जी है उन्होंने हड़ताल की जो खोलन गया अंदर जाके काम शुरू कर देंगे अपना।